सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून व इंस्पेक्टर पवन कुमार की टीम ने एक ऐसे खतरनाक हिस्ट्री शीटर को दबोचा है जो वीवीआईपी इलाकों में वारदातों को अंजाम देता था और जिसके ऊपर दुष्कर्म, चोरी, लूटपाट, दिल्ली पुलिस के एसएचओ और उनकी टीम पर फायरिंग करने के एक दो नहीं पूरे 125 मुकदमे दर्ज है, जबकि 35 से ज्यादा मुकदमों में वांटेड है। आरोपी इतना खतरनाक था कि खतरा महसूस होने पर आम पब्लिक हो या पुलिस किसी पर भी गोली चलाने से नहीं हिचकिचाता था। आरोपी ने समाज सेवी का चोला ओढ़ अपने घर के आसपास अपनी रॉबिनहुड की छवि बना रखी थी, क्योंकि वो लूट और चोरी के पैसों से गरीबों की आर्थिक मदद करता था, जिसके चलते इलाके में उसके काफी फॉलोअर्स बन गए थे और यही फॉलोअर्स पुलिस से बचाने में उसकी मदद करते थे। आरोपी की पहचान जहांगीरपुरी निवासी 27 वर्षीय वसीम अकरम के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। स्पेशल सेल डीसीपी जसमीत सिंह ने बताया कि 30 जून 2021 को वसीम लंबू गैंग के 5 लोग कोटला मुबारकपुर में वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। कोटला मुबारकपुर पुलिस ने पीछा करते करते थाना कश्मीरी गेट इलाके में बदमाशों को घेर लिया था। अपने आप को पुलिस से चारों तरफ से घिरा देखकर कार में सवार वसीम और उसके साथियों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके 3 साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं वसीम फरार होने में कामयाब रहा था। डीसीपी जसमीत सिंह ने फरार अपराधी वसीम लंबू को दबोचने की जिम्मेदारी स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की टीम को सौंपी। इंस्पेक्टर शिव कुमार हून ने इसे चुनौती के रूप में लिया और वसीम लंबू के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी, लेकिन वसीम लंबू कोटला मुबारकपुर पुलिस टीम पर गोली चलाने के बाद अंडरग्राउंड हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा आदि राज्यों में छिपता फिर रहा था। इंस्पेक्टर शिव कुमार हून ने वसीम लंबू को दबोचने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया। सस्पेक्ट ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। टीम के सामने आरोपी को दबोचने में सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि वसीम लंबू ने समाज सेवी का चोला ओढ़ अपने घर के आसपास अपनी रॉबिनहुड की छवि बना रखी थी, जिसके चलते पुलिस टीम जब भी उसको पकड़ने जाती उसके फॉलोअर्स उसको अलर्ट कर देते और वो मौके से भाग जाता। लाख कोशिशों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। खबरी नेटवर्क भी फेल हो गया था। वसीम लंबू ऐसे अंडरग्राउंड हुआ था जैसे कि उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया। इंस्पेक्टर शिव कुमार हून अच्छी तरह से जानते थे कि हार्डकोर क्रिमिनल किसी भी वारदात को अंजाम देकर तब तक अंडरग्राउंड रहता है जब तक उसको यह न लगे कि अब मामला ठंडा हो गया होगा। ज्यादातर क्रिमिनल मीडिया में छपने वाली खबरों से अपडेट रहते हैं कि उनके केस में क्या चल रहा है। मीडिया में खबरें छपती रहती हैं तो क्रिमिनलों को लगता है अभी मामला गर्म है और वो अंडरग्राउंड रहते हैं। जैसे जैसे मीडिया से खबर गायब होती जाती है, क्रिमिनल फिर से नई वारदात की फिराक में निकल पड़ते हैं। वसीम लंबू को बिल से बाहर निकालने के लिए इंस्पेक्टर शिव कुमार हून ने एक चाल चली, वसीम की खबर को लेकर मीडिया से दूरी बना ली। धीरे धीरे वसीम की खबर मीडिया में लगभग छपनी बंद हो गई। इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की चाल कामयाब रही। जैसे ही मीडिया में खबरें छपनी बंद हुई, वसीम की मूवमेंट और एक्टिविटी बढ़ने लगी। आखिरकार कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद हिस्ट्री शीटर वसीम लंबू अपने बिल से बाहर निकला। दिनांक 19 अगस्त 2022 को टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों से इंस्पेक्टर शिव कुमार हुड को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि हिस्ट्री शीटर वसीम लंबू आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास अपने किसी जानकार से मिलने आएगा। टीम ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास जाल बिछा दिया जहां से वसीम को दबोच लिया। गिरफ्तार 27 वर्षीय कुख्यात हिस्ट्री शीटर वसीम अकरम लंबू पुत्र मोहम्मद इजहार एन 38A 226 सीडी पार्क जहांगीरपुरी दिल्ली का रहने वाला है। वसीम उर्फ लंबू एक कुख्यात अपराधी है जिस पर पहले से 125 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार, पुलिस पार्टी के ऊपर हमला और फायरिंग आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे शामिल हैं। वसीम के आपराधिक इतिहास की बात करें तो पिछले 8 साल में ही वसीम के ऊपर 125 मुकदमे दर्ज हो गए, जबकि 35 मुकदमों में वह वांटेड। फिलहाल वसीम स्पेशल सेल दिल्ली के हत्थे चढ़ गया है। दिल्ली पुलिस ने 2021 में वसीम को कश्मीरी गेट के पास से पकड़ने की कोशिश की थी। उस दौरान वसीम और उसके साथियों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया था। उस वक्त वसीम अपने कई साथियों के साथ कार में सवार था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके 3 साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं वसीम फरार होने में कामयाब रहा। वसीम चोरों के एक बड़े गैंग का सरगना है। इसकी गैंग में 25 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इस गैंग की मॉडल ऑपरेंडी भी काफी अलग थी।
ये सभी दक्षिणी और लुटियंस दिल्ली इलाके की कोठियों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अधिकतर वारदात आरोपित दिन में खाली कोठियों में करते थे। 4-5 वारदात के बाद आरोपित कुछ दिनों के लिए भूमिगत हो जाते थे। वसीम फ्लाइट से कोलकाता चला जाता था, बाकी बस और ट्रेन से अलग अलग राज्यों में चले जाते थे। आरोपी ने समाजसेवी का चोला ओढ़ अपने घर के आसपास अपनी रॉबिनहुड की छवि बना रखी थी, क्योंकि वो लूट और चोरी के पैसों से गरीबों की आर्थिक मदद करता था। जब पुलिस वसीम को पकड़ने जहांगीरपुरी जाती, उससे पहले लोग उसे पुलिस के आने की सूचना दे देते थे। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस, और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।